चैप्टर टू हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को पढ़ा था और हमने देखा था कि वाटर के क्या क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो इतना इंपॉर्टेंट है और वो हमारे सेल में सबसे ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। जब हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात की थी तो हमने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 4% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, यानी हमारे सेल के अंदर 4% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह जब हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वुड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसी तरह कॉटन, रुई जिसे हम कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च एक फूड कंपोनेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सीरियल जो दालें हैं होती हैं हमारे पास उनमें बेसिकली स्टार्च ही होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल है। इसी तरह रूट ट्यूबर्स जो हैं, रूट ट्यूबर्स ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल है, शुगर केन गन्ना जो है ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है और इससे फिर हम शुगर हासिल करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि मिल्क के अंदर जो दूध के अंदर शुगर है लैक्टोज बेसिकली जिसे हम कहते हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की और इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनली दोनों एतबार से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? वो इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर हमारे पास डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की ही डिफरेंट फंक्शनैलिटी है जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म हो रही होती है। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, लेट सपोज कार्बोहाइड्रेट्स को हम देख रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की दो इम्पॉर्टेंस हैं हमारे पास, स्ट्रक्चरल इम्पॉर्टेंस और फंक्शनल इम्पॉर्टेंस। अगर हम स्ट्रक्चरल इम्पॉर्टेंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे पास सेल्युलर मैट्रिक्स बनाता है और ये सेल्युलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या है इसको अब हम ये पढ़ेंगे अपने इसी लेक्चर में मज़ीद। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल बनाता है डिफरेंट प्लांट्स की और कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल बनाता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये तो स्ट्रक्चरल इम्पॉर्टेंस है कि स्ट्रक्चरली कार्बोहाइड्रेट कितना इम्पॉर्टेंट है। जब हम फंक्शनल इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि जो भी हमें एनर्जी मिलती है उसका मेन या बेसिक सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से मेन सोर्स होते हैं? वो इस तरह से होते हैं कि जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो इसके दौरान होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। प्लांट्स की जो फूड होती है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसी से वो प्लांट्स अपनी एनर्जी बनाते हैं और यही कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसी भी और फॉर्म में और उसको जब हम खा लेते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है या कोई और एनिमल्स इसका इंटेक करते हैं इसे खाते हैं तो वो एनर्जी उन एनिमल्स की बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। तो यानी कि मेन सोर्स ऑफ या बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बो हाइड्रेट का जो वर्ड है इसका मतलब ये है, इससे हम एक और वर्ड बना सकते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन्स है, यानी कि ये कम्बिनेशन है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का और इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कुछ इस तरह से है कि हम लिखते हैं CX
H2O Y, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो हमारे पास है 2:1। और इसी तरह ये जो X और Y है हमारे पास, X और Y का क्या मतलब है, X जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है, इसी तरह Y भी हमारे पास कोई भी होल नंबर हो सकता है। X की जो वैल्यू है वो हम कहते हैं कि 3 से स्टार्ट होती है और वो थाउजेंड्स तक हो सकती है, इसी तरह Y जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेसिकली कहते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं। अब एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, इनको हम मज़ीद थोड़ा सा देखेंगे कि एल्डिहाइड्स क्या हैं। या तो हम इनको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या फिर हम इसको कहते हैं ये कीटोन्स हैं। तो ये दो नाम जो हैं थोड़े से साइंटिफिक, थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे अभी आपको ये, लेकिन ये इसके कार्बोहाइड्रेट्स के नाम हैं। इनको हम मज़ीद आगे देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का या कीटोन का मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज की अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स आते कहाँ से हमारे पास, तो सोर्सेज में हमारे पास आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स में भी हम कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। वो इस तरह से कि हमने कहा था कि ग्रीन प्लांट्स से फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और तो वही फूड जो है वही कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जब कंबाइन करते हैं लिपिड्स के साथ या प्रोटीन्स के साथ, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड्स के साथ कंबाइन करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है वो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसी तरह जब भी कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स के साथ, तो उस मॉलिक्यूल को, नए बनने वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, यही बेसिकली सोर्स है हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स के। अब एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स क्या चीज़ है, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स हम कहते हैं जितने भी हमारे पास सेल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल सेल है या फिर हमारे पास प्लांट सेल है, तो तमाम तरह के जो सेल्स हैं उनके बाहर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इन मैट्रिक्स से मिलके बनी होती हैं। यानी कि ये जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स बने हैं, यही सोर्स हैं या यही बेसिकली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास तीन डिफरेंट ग्रुप्स में पाए जाते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेसिकली उनकी तीन मेन ग्रुप्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ग्रुप ओलिगोसैकेराइड्स, और जो तीसरा ग्रुप है हमारे पास उसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सैकेराइड का मतलब क्या है। ये जो वर्ड हमने यूज़ किया सैकेराइड, इसका मतलब क्या है। सैकेराइड का जो वर्ड है बेसिकली वो डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जो कि है सैकेरॉन, और इस सैकेरॉन का मतलब है शुगर, और मोनो मोनो का मतलब होता है वन। तो इस तरह से हमारे पास मोनोसैकेराइड का क्या मतलब हुआ, वन शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी जो ये टाइप है मोनोसैकेराइड, इनमें बेसिकली होता क्या है कि ये एक सिंगल शुगर ग्रुप है, और इससे होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 से लेके 7 कार्बन एटम्स होते हैं।
और ये ज्वाइन होते हैं डिफरेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के साथ। मोनोसैकेराइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले तो ये कि ये सिंपल शुगर्स हैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि ये स्वीट इन टेस्ट हैं, यानी कि अगर हम इनको चखें तो ये मीठे होंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि ये वाटर सोल्युबल हैं, बिकॉज ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है, ये मज़ीद टूटती नहीं है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अब हाइड्रोलाइज्ड का क्या मतलब है? हाइड्रोलाइज्ड को हम मज़ीद अपने नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स उसमें पढ़ेंगे कि हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या है। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को यानी कि मोनोसैकेराइड्स को मज़ीद तोड़ के सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनको हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के ऊपर जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको हम कहते हैं वो हैं पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या हमने कहा था कि ये कीटोन्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और उसमें बेसिकली होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ दो एक ऑक्सीजन अटैच है डबल बॉन्ड्स के साथ, और फिर उसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन होता है और एक साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे ये वाला आर जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर ये कोई सी एच थ्री ग्रुप जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया, या कोई भी एल्काइल ग्रुप हम इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये हमारे पास है एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट की जब हमने बात की हमने कहा ये है पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका मतलब है कि ढेर सारे एल्डिहाइड ज्वाइंट है और वो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बन गया है। जब हम कीटोन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक कार्बन एटम है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है वो भी डबल बॉन्ड के साथ, और उसके साथ एक साइड पे हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे भी एक और अल्काइल ग्रुप है। यानी कि ये वाला कार्बन जो है वो किसी भी चेन के दरमियान में अगर पाया जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो एक कीटोन है, जबकि अगर कार्बन किसी भी चेन के एंड पे पाया जाए तो हम कहेंगे कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये तो बेसिकली डिफरेंस था एल्डिहाइड और कीटोन का। एक एग्जांपल से हम इसे देख लेते हैं ताकि हम इसे सही से समझ सकें कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बेसिकली हैं क्या। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रिस एल्डिहाइड, और ग्रिस एल्डिहाइड बेसिकली होता क्या है, ये एक थ्री कार्बन शुगर है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले एक साइड पे तो हमारे पास एक कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन, एक कार्बन जो कि फोर बॉन्ड्स बनाता है तो इसके साथ मजीद हमारे पास एक और कार्बन अटैच है, उसके साथ एक साइड पे ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, और फिर एक इस साइड पे एक और हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे एक और कार्बन जिसके साइड पे एक हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्रिस एल्डिहाइड का। और ग्रिस एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास C3H6O3। तो ये हमारे पास एक ग्रिस एल्डिहाइड बन गया। इसी के साथ अगर हम एक कीटोन बनाएं तो कीटोन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो डिफरेंट होगा, इसका फॉर्मूला सेम रहेगा हमारे पास। इसमें होगा क्या,
होगा ये कि हमारे पास एक कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है। हमने कहा था कि यह किसी चेन के दरमियान में आता है, तो इसी तरह इसे हमने दरमियान में बना लिया। इसके साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन एक साइड पे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक साइड ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, एक इस तरह से ग्रुप बन गया। दूसरे ग्रुप में हमने क्या किया, एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। और इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला इसका वही है C3H6O3। तो ये तो हमने देख लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है, और एक एक हमने इसकी एग्जाम्पल देख ली। एक ही एग्जाम्पल जिसे हमने देखा C3H6O3, इसी से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है और कीटोन ग्रुप में क्या होता है। नॉर्मली मोनोसैकेराइड्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मोनोसैकेराइड्स में जो कार्बन है वो 3 to 7 कार्बन एटम्स हैं, और वो 3 से 7 के जो कार्बन एटम्स हैं उनमें अगर 3 एटम्स होंगे तो उसे हम कहते हैं ट्रायोस। अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो वो हो जाएगा टेट्रोस। अगर हमारे पास 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। इस तरह से हम इनको नेमिंग दे देते हैं। 3 to 7 कार्बन हमारे पास मोनोसैकेराइड में हो सकते हैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन है, जैसे कि हमने अपने ऊपर के ग्रुप में देखा 3 कार्बन जो एल्डिहाइड्स हैं हमारे पास, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन में एक इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर बनते हैं। जब भी यानी हमारे पास रेस्पिरेशन हो रही है या फोटोसिंथेसिस हो रही है तो हमारे पास एक 3 कार्बन शुगर बनता है, और वो ट्रायोस की एक एग्जाम्पल है। टेट्रोस जो है वो हमारे पास नेचर में बहुत ही कम पाए जाते हैं, दे आर वेरी रेयर, बहुत कम है। इसी तरह जो 5 कार्बन है और जो 6 कार्बन है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे पास, दे आर क्वाइट अबंडेंट। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है जो कि 6 कार्बन शुगर है। जो भी शुगर्स हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप से बनते हैं उसे हम कहते हैं एल्डो शुगर, और जो शुगर्स हमारे पास कीटोन ग्रुप से बनते हैं उसे हम कहते हैं कीटो शुगर। तो ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने देख ली कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, और एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और ये हमने देखा कि कार्बन जो है वो मोनोसैकेराइड्स के अंदर 3 to 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 3 to 7 कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लूकोज की, जहाँ हमने बात की तो वहीं हम आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता देते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेसिकली होता किस तरह का है। ग्लूकोज जो है हमारे पास वो एक 6 कार्बन शुगर है, और ग्लूकोज के साथ हम राइबोज को देख लेते हैं। राइबोज जो है वो हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, और इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास है AA कार्बन, यह क्योंकि हम एल्डिहाइड ग्रुप बना रहे हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप में हमें पता है कि एक साइड पे एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ कार्बन OH ग्रुप, यहाँ H ग्रुप, सिमिलरली OH ग्रुप, H ग्रुप, एक और कार्बन यहाँ पे OH ग्रुप और H ग्रुप, एंड अगेन लास्ट कार्बन एटम। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया राइबोस शुगर का, जो कि एक हम इसको कहते हैं अ
पेंटोज शुगर, ये एक पेंटोज है बिकॉज इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स यूज हुए हैं। जब हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ग्लूकोज का हमने कहा कि वो एक 6 कार्बन शुगर है और ये भी हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसा देखा था, सबसे पहले हम कार्बन बना लेते हैं, 6 कार्बन्स, यहाँ पे OH ग्रुप, H ग्रुप, सिमिलरली यहाँ पे हम H बना लेते हैं, अगेन OH एंड H, OH एंड H ग्रुप, एंड हेयर वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को हम कहते हैं कि ये एक हेक्सोज शुगर है, यानी कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ये एक एल्डिहाइड ग्रुप था तो इसलिए हमने कहा कि इसके अंदर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, जो कि इस पूरी चेन के एक साइड पे यूज़ हो रहा है। ये तो हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से चेन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे 5 कार्बन शुगर और यहाँ पे 6 कार्बन शुगर को हमने देख लिया। कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर जिनको हम अभी देख रहे हैं, ये सिर्फ चेन्स के फॉर्म में नहीं बल्कि ये रिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिंग फॉर्म है और मज़ीद जो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं, जैसे कि ओलिगोसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, इसके अलावा कुछ यूजेस, इनको हम मज़ीद अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। बेसिकली हमने सबसे पहले तो देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर किस तरह से, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पर हमारे लिए किन किन चीज़ों में इंपॉर्टेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट के फिर हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि वो किस तरह का होता है, उनके अंदर एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनका फॉर्मूला क्या है, कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हमारे पास रेशियोज हैं। उसके बाद हमने सोर्सेज देख लिए कार्बोहाइड्रेट्स के, मज़ीद हमने क्लासीफाई कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी 3 टाइप्स के अंदर। उनमें से मोनोसैकेराइड को हमने देखा कि मोनोसैकेराइड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर हमने स्ट्रक्चर देखा कि कार्बोहाइड्रेट को क्योंकि हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कहते हैं या कीटोन्स कहते हैं तो हम क्यों कहते हैं। फिर हमने इनके स्ट्रक्चर को देखा और फिर हमने ये देखा कि मोनोसैकेराइड्स की जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ट्रायोज हैं, टेट्रोज हैं, पेंटोज हैं, हेक्सोज हैं, तो वो किस किस फॉर्म में नेचर में अर्थ के ऊपर पाए जाती हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे।